सो वेलकम टू टू तो हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है है वो ग्रेटर एलिमेंट राइट तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज एंड ये क्वेश्चन काफी क्वेश्चन में यूज हो रहा होता है मैंने देखा है कि na, ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज हो रहा होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे गिवन है गाइस एक इंटीजर एरे गिवन है हम लोगों को क्या करना है जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इन एरे में हमको क्या करना है इस एलिमेंट के राइट साइड पे इस एलिमेंट के राइट right साइड में जो भी बड़ा एलिमेंट उससे बड़ा एलिमेंट है उसको यहाँ पे पुट कर देना है एक एरे में एंड एक एरे हम लोगों को रिटर्न कर देनी है जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल से समझो वन के राइट right में वन के राइट right में वन से बड़ा एलिमेंट कौन कौन सा है तो थ्री है एंड फोर है तो वन के पास कौन सा है वन के सबसे पास जो है वो थ्री है तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा ठीक है थ्री के राइट में उससे बड़ा एलिमेंट कौन है फोर है टू के राइट में उससे बड़ा एलिमेंट है फोर एंड फोर के राइट में कोई उससे बड़ा एलिमेंट नहीं है क्योंकि फोर जो है वो लास्ट एलिमेंट है रहेगा तो उसके जगह में क्या करना है माइनस पुट कर देना है अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके राइट में उससे बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है तो हम लोग माइनस पुट कर देंगे तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे तो देखो लेट्स से ये एग्जाम्पल है हम लोगों के पास तो इसका एक बार आउटपुट लिख लेते हैं हम लोग तो फाइव के राइट में सेवन सेवन के राइट में एट सिक्स के राइट में एट एट के राइट में कोई नहीं है तो माइनस वन जीरो के राइट में वन है वन के राइट में थ्री है एंड थ्री के राइट में कोई नहीं है तो दैट मीन्स कि माइनस वन हम लोग पुट कर देंगे तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा तो सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ब्रूट फोर्स वे ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें हम लोग दो लूप लगा लें हम लोग दो लूप लगा लें एक हम लोग लगा लें फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू जीरो टू एन एंड दूसरा लूप हम लोग लगा ले जे इक्वल्स टू आई प्लस वन से लेकर के एन तक में एंड हम लोग कंपेयर करते जाएं बेसिकली तो जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ जैसे हम लोग फाइव पे हैं तो हम लोग फाइव के साथ हम लोग फाइव के साथ इन पूरे एलिमेंट्स को क्या करें कंपेयर कर लें एंड चेक कर लें कि फाइव से जो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग को मिलेगा जो फाइव से बड़ा होगा उसको हम लोग यहाँ पे एक रिजल्टेंट एरे ले लें हम लोग एंड हम लोग यहाँ पे क्या कर दें रिजल्टेंट ऑफ आई में हम लोग उसको स्टोर कर लें तो ये इसका ब्रूट फोर्स वे है कि जैसे फाइव पे है इन सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें फिर हम लोग सेवन पे आएंगे तो सिक्स से लेकर के एट तक के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करें कंपेयर करें एंड चेक करते जाए जो उससे पहला जो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग को मिल जाए उस एलिमेंट से बड़ा उसको हम लोग स्टोर कर लें तो ये इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था गाइज एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो बिग ऑफ एंड स्क्वायर है क्योंकि हम लोग दो नेस्टेड फॉर लूप्स यूज करेंगे एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी तो ये इसका ब्रूट फोर सोल्यूशन था गाइस हालांकि ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम लिमिट टैक्स आ जाएगा लेकिन अगर इंटरव्यू में हूँ आप लोग गाइस तो इंटरव्यू में जो सबसे पहला मेथड आप लोग बताओगे वो ये बताओगे ठीक है तो अब चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एक स्टैक का स्टैक का हम लोग यूज़ करेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे इस इस एरे में इस एरे में हम लोग ट्रेवल्स करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है ना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लोग ट्रेवल्स करेंगे अभी मत सोचना है कि कैसे वर्क कर रहा है क्या कर रहा है अभी बस इतना देख लो कैसे काम कर रहा है ना फिर इसको बाद में जब अपन ड्राई रन करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है ठीक है देखो हम लोग राइट टू लेफ्ट ट्रेवल्स करेंगे हम लोग क्या करेंगे अच्छा सबसे पहले एक एरे तो बना लेंगे जो कि हम लोग को रिटर्न करना है रिजल्टेंट वाला एरे तो इस एरे में हम लोग क्या कर देंगे सबसे पहले हम लोग माइनस थ्री के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो कुछ होगा ही नहीं सॉरी थ्री के राइट right में तो उससे बड़ा कोई एलिमेंट है नहीं तो हम लोग क्या कर देंगे रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एन माइनस वन में एन जो लेट से एन जो है इसकी लेंथ है तो रिजल्टेंट ऑफ एन माइनस वन में इनिशियली हम लोग माइनस वन को पुट कर देंगे एंड स्टैक में हम लोग थ्री को क्या करेंगे थ्री को हम लोग पुश कर देंगे ठीक है ये इनिशियल स्टेप हम लोग काम कर लेंगे ठीक है इसके बाद देखो हम लोग ट्रेवल्स कहाँ से करेंगे हम लोग ट्रेवल्स करेंगे यहाँ से हम लोग ट्रेवल्स करेंगे बंद से है ना वन से हम लोग ट्रेवर्स करेंगे तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स i में है हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स i में हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग स्टैक में से हम लोग स्टैक में से क्या करेंगे हम लोग पॉप करवाएंगे हम लोग स्टैक में से पॉप करेंगे कब तक पॉप करेंगे स्टैक में से जब तक हमें वन से बड़ा या फिर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई से उससे बड़ा एलिमेंट हम लोग को स्टैक में नहीं मिल जाता तो मैं क्या बोल रहा हूँ जैसे कि लेट से लेट से हम लोग वहाँ वन पे हैं तो वन पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने स्टैक में क्या करेंगे ट्रेवल्स करेंगे एंड पॉप करेंगे पॉप कब तक करेंगे जब तक वन से बड़ा एलिमेंट हम लोग को स्टैक के टॉप में नहीं मिल जाता है ठीक है तो हो सकता है यहाँ पे आप आप, आप लोगों को ना समझ में आएगा इस लेकिन भरोसा रखना कि यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे ना एट तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग पॉप करेंगे स्टैक में से टिल वी गेट टिल वी गेट ग्रेटर एलिमेंट ग्रेटर एलिमेंट ठीक है तो देखो वन से बड़ा एलिमेंट है क्या तो वन से बड़ा है भाई थ्री तो वन से बड़ा है तो क्या करेंगे हम लोग सिंपली हम लोग अपने रिजल्टेंट वाले एरे में हम लोग पुट कर देंगे कि वन का जो नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट होगा वो थ्री होगा क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट स्टैक में प्रेजेंट नहीं है ठीक है अब हम लोग आ गए जीरो पे जीरो पे आ गए एंड जाते जाते गए यहाँ पे याद रखना जाते जाते है, हम लोग क्या करेंगे वन को पुश भी करते जाएंगे ठीक है अब जीरो पे आ गए हम लोग अब हम लोग स्टैक में चेक करेंगे एंड स्टैक में से पॉप करेंगे कब तक पॉप करेंगे जब तक जीरो से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता है तो जीरो से तो छोटा एलिमेंट है ही नहीं स्टैक में ठीक है तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है वन पड़ा है तो वन इसका हो जाएगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एंड जीरो को हम लोग कर देंगे पुश देखो अब यहाँ पे देखना गाइस अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें अब हम लोग आ चुके हैं एट पे यहाँ समझ में आने की बहुत अच्छी चांसेस है देखो एट पे हम लोग आ चुके हैं मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे स्टैक में से पॉप करेंगे टिल वी गेट ग्रेटर एलिमेंट जब तक हमें ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल जाता तो स्टैक में देखो स्टैक में जीरो आया जीरो को पॉप कर दिए फिर आया वन वन को पॉप कर दिए फिर आया थ्री थ्री को भी पॉप कर दिए तो हमारी जो स्टैक है वो हो चुकी है एम टी

लेकिन आगे आगे मतलब पूरा ट्रेवल्स करने पे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है जाते जाते हम लोगों ने क्या किया एट को पुश कर दिया अब हम लोग आ गए सिक्स पे सिक्स पे आ गए अब हम लोगों ने चेक किया क्या सिक्स से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है तो सिक्स का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो एट हो जाएगा एंड यहाँ पर हम लोग जाते जाते पुश कर देंगे सिक्स को अब हम लोग पहुँच गए सेवन पे अब देखो सेवन पे पहुँच गए सेवन से छोटा एलिमेंट है सिक्स इसको पॉप कर देगा सेवन अब आ जाएगा स्टैक के टॉप पे एट एट को क्या ये पॉप कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि एट जो है सेवन से बड़ा है तो सेवन का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो एट हो जाएगा एंड सेवन अपने आप को पुश कराते हुए जाएगा ठीक है अब हम लोग पहुंच गए फाइव पे फाइव पे पहुंच गए तो फाइव जो है वो सेवन को पॉप नहीं करा पाएगा तो का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो हो जाएगा सेवन एंड ये हमारा एरे हो चुका है तो इसको हम लोग कर देंगे लास्ट में रिटर्न तो देखो फाइव का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सेवन हो गया सेवन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एट हो गया सिक्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एट हो गया इस तरह से देखो ये एरे हम लोगों ने फिल कर दिया है तो लास्ट में हम लोग कर देंगे इसको रिटर्न तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है गाइस तो क्या कर रहे हैं हम लोग हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं हम लोग स्टैक में से पॉप कर रहे हैं कब तक पॉप कर रहे हैं जब तक जो स्टैक की साइज है वो तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए ऑब्वियसली तब तक तभी हम लोग पॉप कर पाएंगे एंड कब तक पॉप कर रहे हैं जब तक हम लोग को स्टैक में उस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग पॉप करते जाते हैं जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एट पे यहाँ पे क्या क्या पड़ा था थ्री वन एंड जीरो पड़ा था एट ने क्या किया एट ने इन तीनों को पॉप कर दिया क्यूबॉप कर दिया क्योंकि एट जो है वो उससे बड़ा था एंड एट का जो नेक्स्ट लेटर एलिमेंट है वो हो जाएगा माइनस वन तो इस तरह से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं ठीक है अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये वर्क क्यों कर रहा है आखिर ये वर्क क्यों कर रहा है कैसे हमें आंसर ला के दे रहा है तो देखो गाइस इसको ना मैं एक डायग्राम से बना के समझाना चाहूँगा इसको रहने देते हैं अपन राइट वाले को रहने देते हैं देखो एक हम लोग डायग्राम से समझते हैं तो लेट्स से ये पाँच साइज का बार है ये सेवन साइज का बार है ये सिक्स साइज का बार है इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ये एट साइज़ का बार है ये जीरो है ये वन साइज का एंड ये थ्री साइज़ का है ना यहाँ से समझो डायग्राम से समझो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो देखो हमने क्या किया हमने क्या किया थ्री के थ्री का तो अपन माइनस वन पुट कर लिए क्योंकि थ्री के राइट में तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं ठीक है अब देखो अब देखो हो सकता है आपके मन में डाउट क्या आ रहा हो आपके मन में डाउट क्या आ रहा हो ये हो सकता है कि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि माइनस वन को हम लोग पॉप कर दे रहे हैं जब हम लोग एट में आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग वन को पॉप कर रहे हैं एंड हम लोग जीरो को पॉप कर रहे हैं तो हो सकता है आप लोग ये सोच सकते हो कि इस साइड में एट के लेफ्ट में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है वो वन हो रहा हो ये आप लोग सोच सकते हो लेकिन ऐसा नहीं होगा लेट से इसको हम लोग मान लेते हैं ये फाइव है एंड इधर टू पड़ा है तो हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि टू का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो फाइव हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि क्योंकि एट ने क्या किया एट ने इन तीनों एलिमेंट को क्या किया पॉप कर दिया एट ने इन तीनों एलिमेंट को पॉप कर दिया तो अब कि टू का एलिमेंट तो 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 टू का ग्रेटर दी राइट होगा मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से बोलता हूँ एक बार फिर से बोलता हूँ हो सकता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि जैसे एट आया एट आया तो हमने क्या किया हमने इन तीनों एलिमेंट को कर दिया पॉप ठीक है तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो फाइव को हम लोगों ने पॉप किया हो सकता था कि एट के लेफ्ट में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइव हो लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि अगर एट में इतनी क्षमता है अगर एट में इतना पावर है कि अगर वो इन तीनों को पॉप करवा देता है दैट मीन्स कि एट जो है वो इन तीनों से बड़ा है तो अगर एट इन तीनों से बड़ा है तो टू का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा या तो वो एट इट खुद होगा या तो वो एट खुद होगा या तो एट से पहले पहले एट से पहले पहले उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट होगा ये मैं बोल सकता हूं एंड ये सही भी है इस टेक्निकली आप लोग सोचो कि हम लोग को क्या करना है हम लोग को क्या करना है टू से जो सबसे पास में टू के जो सबसे पास में उससे बड़ा एलिमेंट है वो हम लोग को पुट करना है तो एट ने अगर इन तीनों को पॉप करा दिया तो इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा ना अब अगर टू से बड़ा एलिमेंट चाहिए तो टू से बड़ा एलिमेंट उसके राइट में एट तो है ही क्योंकि एट ने इन तीनों को पॉप करा दिया अब अगर एट इन तीनों को पॉप करा दे रहा है तो इससे ये समझ में आ रहा है कि एट तो इन तीनों से बड़ा ही होगा तो इस एल्गोरिथम पे ये बेसिकली काम कर रहा होता है इस तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लेकिन हो सकता है आपको अगर, अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट करना मैं आप लोग को बता दूंगा तो चलिए इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं एंड अगर लगेगा कि इसको एक बार ड्राई रन करने की ज़रूरत है तो हम लोग आके ड्राई रन भी कर लेंगे ठीक है तो लॉन्ग का एरे हम लोग को रिटर्न करना है तो एक लॉन्ग का एरे बना लेते हैं तो लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग एंड साइज जो है वो एन हो जाएगी अच्छा रिजल्ट ऑफ एन माइनस वन पर हम लोग सिंपली पुट कर देंगे क्या माइनस वन क्योंकि लास्ट एलिमेंट के राइट right पे तो उससे बड़ा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है ठीक है अब हम लोग बना लेंगे एक स्टैक स्टैक किसका स्टैक ऑफ लॉन्ग स्टैक ऑफ लॉन्ग एस टीवल्स टू न्यू स्टैक तो स्टैक हम लोगों ने बना लिया एंड स्टैक में हम लोग पुश कर देंगे क्या स्टैक में हम लोग पुश कर देंगे ए आर आर ऑफ एन माइनस वन ए आर आर ऑफ एन माइनस वन ये हम लोग पुट कर देंगे स्टैक में ठीक है लूप हम लोग चलाएंगे लूप हम लोग कहाँ से चलाएंगे से हम लोग लूप चलाएंगे ठीक है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस अब हम लोग को क्या करना है हम लोग को स्टैक में से पॉप करना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग क्या करते हैं स्टैक में से पॉप करते हैं कब तक हम लोग पॉप करते हैं जब तक स्टैक की साइज ग्रेटर देन होती है जीरो के एंड 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 क्या होता है एंड एंड ए आर आर ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है किसके स्टैक डॉट पी के ये लाइन मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ में आ जानी चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग लेट से एट पे है एट पे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं एट से कंपेयर कर रहे हैं जीरो वन थ्री को एट से सबसे पहले हम लोग जीरो कंपेयर करेंगे क्या एट बड़ा है हाँ बड़ा है इसको पॉप कर दो फिर हम लो दो लोग वन के साथ कंपेयर करेंगे एट बड़ा है इसको पॉप कर दो फिर थ्री के साथ कंपेयर करेंगे तो एट बड़ा है इसको पॉप कर दो यही सेम काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि जब तक स्टैक की साइज ग्रेटर देन जीरो है एंड ए आर आर ऑफ आई जो है वो स्टैक के पीक से बड़ा या इक्वल है तब तक क्या करो यहाँ पे कर दो पॉप स्टैक में से कर दो पॉप एंड इसके बाद आने के बाद यहाँ पे चेक कर लो कि अगर स्टैक की जो साइज़ है वो अगर हो चुकी है ज़ीरो अगर वो हो चुकी है ज़ीरो तो रिजल्टेंट ऑफ आई में पुट कर दो क्या माइनस वन उससे राइट right में उससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या कर दो रिजल्टेंट ऑफ आई में पुट कर दो स्टैक डॉट पीक को तो स्टैक डॉट पीक को हम लोग पुश कर देंगे एंड जाते जाते स्टैक में हम लोग पुश करते हुए जाएंगे किसको ए आर आर ऑफ आई को तो जाते जाते स्टैक में पुश कर देंगे तो ये हो जाएगा एंड इस फॉलो के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको रिजल्ट को तो आई थिंक ये हमारा कोड हो चुका है तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं एंड फिर इसको कर लेंगे सबमिट तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है गाइस इसको कर लेते हैं सबमिट एंड बात कर लेंगे फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो ये सबमिट हो जाएगा गाइस तो ये सबमिट हो रहा है बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अच्छा देखो गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन ही है लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें मैंने देखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है बिग ओ ऑफ एन लेकिन इसमें देखो कन्फ्यूजन क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन क्या होता है देखो कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर देखो फॉर के अंदर वाइल है तो बहुत लोगों को लगता है कि क्या यार ये एन स्क्वायर है क्या है क्योंकि फॉर के अंदर हम लोग वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं तो देखो इसका मैं क्या बताऊँ इसका देखो कैसे बताऊँ जैसे कि स्टैक है गाइस है ना इतना समझो कि स्टैक है स्टैक में हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे कि थ्री को पुश किए थ्री को पुश किए फिर वन को पुश किए जीरो को पुश किए तो इस साइड से हम लोग प्रवास कर रहे हैं बस इतना समझो कि स्टैक में हम लोग किसी भी एक एलिमेंट को कितनी बार पुश कर रहे हैं यहाँ पे इतना समझो कि जैसे कि हम लोगों ने थ्री को पुश किया तो थ्री को एक ही बार पुश किया ना अगर एट ने एट ने इन तीनों एलिमेंट को पॉप करवा दिया था एट ने इन तीनों एलिमेंट को पॉप करवा दिया था तो फिर सिक्स के आने के बाद या फिर सेवन के आने के बाद हम लोग इन तीनों एलिमेंट को पुश तो नहीं कर रहे हैं बार बार स्टैक में तो ये समझो कि हम लोग किसी एक एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं एक ही बार स्टैक में पुश कर रहे हैं या फिर वो एलिमेंट एक ही बार स्टैक से पॉप भी हो रहा है यहाँ पे ये भी देखो यहाँ पे ये भी देखो कि थ्री जो है वो पॉप हो गया तो अब जब तक वो पुश होगा नहीं तो वो पॉप भी नहीं होगा गाई तो बस इतना समझ लो कि एक एलिमेंट जो है एक ही बार पुश हो रहा है एंड एक ही बार वहां से पॉप भी हो रहा है तो इससे ये समझ लो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन है भले हम लोग वाइल के अंदर फॉर्क के अंदर एक वाइल लुप लगा रहे हैं लेकिन स्टिल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन ही है एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस वो भी बिग ऑफ एन है सो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा गाइस एंड एंड ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस कोड का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस आप लोग मेरे गिठअप से जाके इस कोड को ले सकते हो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि काफी एफर्ट्स लगते हैं गाइज रेगुलरली वीडियोज बनाने में एंड उसको अपलोड करने में सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दि चैनल गाइज एंड दट्स फॉर दिस वीडियो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गई इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं डिस्टैक्स के ऊपर तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गई इस थैंक यू